जिंदान में रुबाब बदलती नहीं करवट, जिंदान में रुबाब बदलती नहीं करवट। वो समझती है कि अब भी मेरे पास है अस्कर, वो समझती है कि अब भी मेरे पास है अस्कर। शब्बीर वो मसाइब है कुरान का लोगो, अलहम्द सकीना है तो वल्लास है अलहम्द सकीना है तो वन्नास है असगर। तेरे जुल्म सितम दा जमाने ते जेते बाकी निशा है ते तू जित गए, साडे बालां दे चेहरे ते वेख लै तेरा दर्द आया है ते तू जित गए। तेरा लश्कर ते कोशिश करेंदा रहे होया पंज कुरा है ते तू जित गए। तेरे अपने शहर दे अजाना दे विच तेरे नाने दा नाम है ते तू जित गए। इस्तकबाल करो नारा तकबीर नारा तकबीर, नारा रिसालत। आखिरी बंदे तक यार बोलो ना, नारा रिसालत, नारा माशाअल्लाह महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं, वो लोग खुदा शाहिद किस्मत के सिकंदर हैं जो सरवर आलम का मीलाद मनाते हैं। मैं मुबारकबाद पेश करना भाई उमर दराज बलोच साहब, वसीम बलोच साहब, अल्लाह रखा बलोच साहब और शेर जमान बलोच साहब और बिलखसूस हाफिज साहब। हुण तक साढ़े नाल राबते च रहे, अल्लाह इंतजामिया दे इलम अमल कारोबार माल जान च बरकत अता फरमाए। साढ़े खुशबख्ती है अलहम्दुलिल्लाह सदका बीबी पाक दे जोड़ियां दा सारे पाकिस्तान च जाने आ, लेकिन शेखु शरीफ एक ऐसी जगह है, ऐसे आस्थाने दा नाम है जिथे बंदा ना सुन के तो सोरे च हो जाता है। और अल्लाह की कसम सुरीला वो है जिसकी सैयद नाल सुर सुर सैयद तो है, ते अल्लाह की कसम जिसकी सैयद नाल सुर सही हो जाए ना फिर वो जन्नत तक सुरीला ही जाता है। बस साड़ी खुशबख्ती है आज दी महफिल जेरे सदारत आले नबी औलादे अली किबला पीर सैयद वहाब हैदर गिलानी अल मरूफ अली पीर सरकार, अल्लाह ताला आपनु जिंदगी सेहत सलामती अता फरमाए और आपका साया हमेशा साडे सिरां ते कायम दायम रखे। मेरे तो कबल भाई मुअज्जम साहब मुअज्जम अली चिश्ती साहब मियाँ चन्न दे बड़े सुरीले नाथ खान और मेरे तो कबल फखरे नकाबत तुहाडे इलाके दी शान भाई अली नवाज ताहिर साहब और तमाम दोस्त वारसी साहब साढ़े तो बाद इंशाल्लाह नौकरी पेश करेंगे। जिहड़ा बंदा आ गया ते जिहड़ा बंदा बाहर बैठा है अल्लाह सब दा आना बहना पढ़ना सुनना अपनी पाक और बुलंद बारगाह च कबूल फरमाए। चाहत साऊं
बड़ा खूबसूरत ऑपरेट करते ने, अल्लाह बरकतां अता फरमाए। आमीन। मैं बाहरों आ रहा सां ते काफी बंदे बाहर खड़े ने, एक गल याद रखना, एयरपोर्ट से हजारां बंदे होंदे ने पर मदीने दी फ्लैट च कोई कोई बंदा है। बस, बस, बस आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। अल्लाह ताला सब दा आना बैना पढ़ना सुनना अपनी पाक और बुलंद बारगाह कबूल फरमाए। मैं अपनी नौकरी पेश करन लगा, वो बंदा मेरे नाल शामिल हो जाए जिहड़ा इस वास्ते आया है कि रात होवे ते लबां ते हजूर दी नात होवे। वो बंदा मेरे नाल दरूद पढ़े जिहड़ा इस वास्ते आया है कि जबान मेरी होवे ते दरूद सोने ते होवे। बस कजूसी नहीं करनी, एक बार उच्चा दरूद शरीफ पढ़ो या अल्लाह जिहड़ा उच्चा दरूद पढ़े अज ओहदे ते मदीना पाक दी मोहर लग जाए। आमीन। बुलंद आवाज नाल सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल। शर्म नहीं तेनू कलाम
नबी ना रुक साडे नबी नो मैनू उम्र का टिकट मिले जेड़ा पढ़ा लगा हाथ उठा के कह दो सुभान अल्लाह मेरा पीर भाई हाथ उठा के कहेगा पीर सैयद मीर अली शाह पीर सैयद मीर अली शाह साहब आप दे खान वादे दे पीर सैयद बाबू जी सरकार आपने एक माइया लिखे उसे तो मैं कलाम शुरू कर लगा मेरे नाल इस सफर शामिल हो जाओ बाबू सन माया
गाजरा खुश बैठे पढ़ो लाइला पढ़ो लाइला पढ़ो लाइला इस कटी तरंग पाकिस्तान च की जिथे दुनिया जिथे चले जाइए पाकिस्तान तो बाहर भी जाइए लोग कहते ने फरीदी है यार साडा ते प्यार करते ही नहीं इस गलों ज्यादा प्यार करते कि बाबा फरीद के कदमों चो आया हम जिन्हें बाबा फरीद का लंगर खाता है और जरा एक बार 5 सेकंड हाथ उठा के बोले पढ़ो लाइला पढ़ो लाइला नारे तकबीर नारे रिसाला
एक कलाम है वो मैं पढ़ना चाह रहा हूं, तवज्जो है ते बोलो सुभान अल्लाह। हां तवज्जो फरमाना जरा, बिगड़ी बना पहली बार पिंड च पढ़न लगा मुकद्दर वाला मेरे शामिल हो जाए। बिगड़ी बना बिगड़ी बना बिगड़ी बना आपके कलाम का हुक्म है दो शेर पढ़ के मैं कलाम पढ़ने सारे पढ़ने।
ਸਰਦਾਰ ਦੀ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਹੈ ਦੋ ਸ਼ੇਰ ਪੀਰ ਸੀਰ ਨਸੀਰੁਦੀਨ ਨਸੀਰ ਚਾਸਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਂਦਾ ਹੈ ਸੈਯਦਜ਼ਾਦੇ ਬੈਠੇ ਸੈਯਦਾਂ ਦਾ ਨੌਕਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਜਾਏ ਇੱਕ ਮੈਂ
अपनी गल करांगा ते तुहाडी गल करांगा साडा ते नबी आस इवें नहीं आती दा आसरा मेरे आका ने एक बारी हाथ उच्चा करके कहणे नबी आसरा कुल जहान दा नबी आसरा कुल अली वाला जरा हाथ उठा के बोले नारा है दरी हाँ सोना लगता है हाँ
Yeah.
सब खुश रहो, हम दुआ कर चले। मैं फिर इंतजामिया अंगलो साहबान और जिन्हें दोस्त बैठे ने बिलखसूस शाह साहब आप दे कदमा ते हाथ रख के अल्लाह दोस्तां दी एक कोशिश और काविश नू अपनी पाक बुलंद बारगाह च कबूल फरमाए और सारे दोस्तों नू फिर मुबारकबाद जिंदगी रही तो इंशाल्लाह फिर मिलांगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी हाँ सुभान अल्लाह, अजहर अजहर फरीदी बरादरान बड़ी खूबसूरत हाजरी पेश कर रहे सर मुराद अली वारसी साहब, आप तशरीफ फरमाने आपके हवाले माइक करने यकीन आज दे इंतजामिया मुबारकबाद अजहर भाई पेश की मैं भी दिल दिया था अगर आइए तो मैं मुबारकबाद पेश करना है। मैंने जिक्र सरकार सरकार दी आले पाक जिक्र सजाया चाहत सौन और सैयद कलीमुल्ला सैयद सफदर शाह साहब आर डब्ल्यू पी दोनों ने खूबसूरत स्टेज का एहतमाम इंतजाम किया। मालिक सब दे कारोबार में तो फरमावे आप आप तक कमेटी वाले एक दो भाई हजार ने चले जाओ बाकी तुम फरमा रहे हो तुम बोलो सुभान अल्लाह एक बार बोलो तो सुभान अल्लाह सलाम। अब जब कर बड़ा सोना तुम समाप्त किया आओ मैं आखिरी मेहमान सुना अन्नो आखिरी जुमले नाल अकल आखिरी नींद खराब ना कर तुसी जो 9 बजे तो लेके 1:30 बजे तक हजूर ते हजूर दी आल दे जिक्र बैठे हो ते सोने सैयद दी ज़ियारत करदे बैठे हो फिर मैं दसना चाहना अकल आखिरी नींद खराब ना कर बिस्तर लगाई सरूर बड़ा आवना है पर इस अख दे महफिल दे विच बैठना है इत्थे मेरे हजूर ले आवना है सलामत रहो। अकल आखिरी नींद खराब ना कर बिस्तर लग गई सरूर बड़ा आवना है इस कख दे महफिल दे विच बैठना है इत्थे मेरे हजूर ने आवना है। अकल ते इश्क दा जोर देखो अकल रुकदी इश्क रुकींदा नहीं अकल आखिरी कच्चे ते ना भरी कच्चा घड़ा कभी पार थींदा ही नहीं इस कख दा यार वल्लों मुख बोड़ा कसम रब दी कदे बख्शींदा ही नहीं अकल आखिरी करबल नू ना जानी इस कख ते मैनू सुणींदा ही नहीं अकल आखिरी पानी तेरा बंद करसन इस कख ते मैं पानी पींदा ही नहीं अकल आखिरी पानी तेरा बंद करसन इस कख ते मैं पानी पींदा ही नहीं अकल आखिरी सोली ते चार दिसन तैनू सोली दा झूठा दिसींदा ही नहीं इस कख ते सोली कबूल करसा बिन सोली दे यार मनींदा ही नहीं इस कख ते सोली कबूल करसा बिन सोली दे यार मनींदा ही नहीं। आओ सरा खान मुस्तफा सरजमीन गोरा वाला तू इंतहाई खूबसूरत शख्सियत मैं आपने गुजारिश करांगा आप अब आप थोड़ा थोड़ा करीब तशरीफ लाओ सोने सैयद ने और मेरे रसूल आप करीब तशरीफ लाओ उठ के आ जाओ मूवी वाले भाई जरा कैमरा घुमाई हजूर के नौकरों को जाके पता लगे कि खाली जगह जिथे पई है इस सुबह कम अज कम या खेल किसी मेहमान की गल मन के दो चार चार कदम अगे हुए सर आप मोहब्बत नाराय तकबीर माशाल्लाह नाराय रिसालत नाराय रिसालत नाराय हैदरी इन्हें गज बज के बोल हसनी मोमिन बुला नहीं सकता मुनाफिक कदहने दिला नहीं सकता ए नारा हैदर दा एडा पाके ए पलीत होठा ते आ नहीं सकता नारा हैदरी हैदरी हुसैनियत बोला हुसैनियत 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 सारे बोलो हुसैनियत यजीद गंदा उचक कलंगा हुसैन आला हुसैन चंगा यजीद साराई हेर फेरे हुसैन शेरे खुदा का शेरे हुसैनियत हुसैनियत Thank you.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمت للعالمین صدق اللہ العظیم و صدق رسول النبی الکریم الامین سب دوستوں کو سب سے پہلے میری جانب سے دونوں ہاتھ ماتھے پر رکھ کر السلام علیکم دیکھیں ایسا نہیں ہے کہ میں آپ حضرات کو نہیں جانتا اور ایسا بھی نہیں ہے کہ آپ مجھے نہیں جانتے یہ تقریباً بابا جی چھٹا سال ہے مجھے بارہا مرتبہ یہاں پر حاضری پیش کرتے ہوئے ہر سال ایک نیا جوش و جذبہ آپ حضرات میں دیکھنے کو ملتا ہے بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جس قدر احباب تشریف فرما ہیں اس قدر آواز مجھے تک نہیں پہنچی میں پھر سے کہہ رہا ہوں السلام علیکم ماشاءاللہ تہ دل سے مشکور ہوں انتہائی قابل ادب انتہائی میرے بڑے ہی مخلص بھائی جناب محترم قبلہ حافظ محمد حسین بلوچ صاحب بالخصوص آج کی مکمل انتظامیہ پورے اہلیان علاقہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں آپ حضرات کی ہی بے پناہ محبت کی وجہ سے آپ لوگوں کو سلام کرنے کا شرف ایک مرتبہ پھر حاصل ہوا ہے دعا ہے خالق کائنات مالک اکبر ہم سب کا یہاں پہ چند گھڑی کا مل بیٹھ کر ذکر اذکار کرنا اپنی بارگاہ اقدس میں قبول منظور فرمائے اور ہم سب کو اجر عظیم عطا فرمائے یہ محفل ذکر محمد و آل محمد آپ لوگوں نے اشتہار پر ٹائٹل دیکھا ہوگا محفل ذکر محمد و آل محمد ہے تو یہ ذکر محمد و آل محمد کا دربار سجا ہوا ہے جو بندہ چاہتا ہے کہ اس عزت والے دربار میں سے کوئی بھی خالی دامن اپنے گھر کو نہ جائے بلکہ رحمتوں برکتوں سے اپنی جھولیاں بھر کر جائے وہ بندہ ایک مرتبہ اپنے دونوں بازو ہوا میں بلند کر کے کہے سبحان اللہ ماشاءاللہ بس تھوڑا تھوڑا بولتے رہنا ہے تاکہ مجھے احساس تنہائی نہ ہو ہر سال کی طرح اس سال بھی ہم لوگوں نے روایت جو ہے وہ برقرار رکھی ہے سب سے کم عمر پڑھنے والا بھی میں ہوں اور سب سے آخر پر بھی میں ہوں لیکن کوئی گلہ نہیں ہے میرا اپنا گھر ہے میں آ گیا ہوں حاضری ہو گئی ہے بس چند لمحات آپ لوگوں کے قولوں کو اذہان کو معطر کرنے کی کوشش کرتا ہوں کوئی زبان خاموش نہ رہے اس یقین کے ساتھ روزے پاک پڑھنا ہے کہ ہم پڑھتے ہیں اور آقا انعامدار سماعت فرما کر جواب بھی عنایت فرماتے ہیں کوئی زبان خاموش نہ رہے مل کر درود پاک کا نذرانہ پیش کر لیجیے صلی اللہ علیہ یا رسول داری خدا
फिर एक गल करनी लाजमी है।
यार सुन ला तेरे नाम तो राजा यार
नौकर बन जा ओ भाईओ आले नबी दा नौकर बन जा होवेगी रिस्पेक्ट मदीने असी नहीं आसे पासे जाना जावा गे डायरेक्ट मदीने साडे ते सारे मसले भाई हुंदे ने परफेक्ट मदीने हाफिज साहब ओनु कोई भी मुंह नहीं लांदा जो हो जान रिजेक्ट मदीने ते हाथ चुक के सुभान अल्लाह बस ओही कहंदे जेड़े हो जान सेलेक्ट मदीने कदी मैं भी मदीने जावा कदी मैं भी मदीने जावा कदी मैं भी मदीने जावा रो रो के दुखड़े सुनावा रो रो के दुखड़े सुनावा किस किस ने मदीने जाना बाबा जी तुहाडे कदमां ते हाथ रख के गल कह रहे हैं हाथ सा पंडाल देखिया जी अपना ये बंदा किस बंदे दा हाथ थले रह गए किस किस ने मदीने जाना किस किस ने मदीने जाना हाथां नूं ओ उठावे हाथां नूं ओ उठावे भज भज के नारा लावे हरी नारा यारो बाबा जी जिन्हें बंदे ने लपैक यार सुन लगे हाथ नहीं ना उठाया बाबा जी दस उसी तवजो मैं उन्होंने बंदा ने दसना चाह रहा कि लपैक यार सुन ला कोई सियासी नारा नहीं है मैं दसा इब्तदा किने की थी रोमन एम्पायर एक अंग्रेज मोर लिखे बाबा जी रोमन एम्पायर उसका नाम है अपनी मशहूर जमाना किताब मिस्टर एम के फॉल ऑफ द रोमन एम्पायर के अंग्रेज मोर लिखे तारीख लिखने वाला अंग्रेज है वो लिखता है किताब जिले शुरा के वक्त जब कायनात का सबसे बड़ा खतीब आजम आपके और मेरे मुर्शद सरकार मोहम्मद मुस्तफा उठकर खिताब के लिए खड़े हुए उन्होंने उठकर फरमाया ओ पीपल ऑफ द कुरैश आई एम द लास्ट प्रॉफिट ऑफ अल्लाह हु विल हेल्प मी हु विल फॉलो मी ही विल मेक माय मिनिस्टर एंड कैलिफ एंड इन चार्ज ऑफ माय फेथफुल मिशन ओ कुरैश के लोगों मैं अल्लाह की तरफ से आखिरी पैगंबर बनकर आया हूं तुम में से कौन मेरी मदद करेगा तुम में से कौन मेरी तबाह करेगा जो मेरी मदद करेगा जो मेरी तबाह करेगा वो मेरा वजीर होगा वो मेरा खलीफा होगा वो मेरे इस मिशन का इंचार्ज होगा सब के सब खामोश थे बाबा जी बट वन चाइल्ड लेकिन एक बच्चा हु वाज द 10 इयर्स ओल्ड जो 10 साल का था हिज नेम वाज अली हिज नेम वाज अली उसका नाम अली था ही जंप्ड वो उछला एंड क्राइंग और चिल्लाया और रसूलुल्लाह आई विल हेल्प यू आई विल फॉलो यू एंड आई विल ब्रेक द बाउंड्स ऑफ योर एनिमीज या रसूलुल्लाह मैं आपकी मदद करूंगा मौला अली फरमाते हैं या रसूलुल्लाह मैं आपकी मदद करूंगा मैं आपकी तबाह करूंगा और मैं आपके दुश्मन की हड्डियां तोड़ कर रख दूंगा चाहे जितनी मर्जी पंचायतें इकट्ठी करो फकत आपके और मेरे मुर्शिद अली की जात है जिसने इस कुर्राए अर्ज में इस कायनात में पंचों के बल खड़े होकर सबसे पहले कहा था लबैक या रसूल अल्लाह 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 आ रहे रिसालत या रसूल अल्लाह आ रहे रिसालत या रसूल अल्लाह सभी मदीने जाइए कभी सभी मदीने जाइए रो रो के दुखड़े सुनाइए रो रो के दुखड़े सुनाइए सर सीजा सर सीजा रे अरमान या रसूल अल्लाह सर सीजा रे अरमान या रसूल अल्लाह तेरे नाम तुम्हारा जा या रसूल अल्लाह चार से पांच मिनट की हाजिरी है उसके बाद इजाजत आप लोग बाबा जुबलंद फिर से कहिए सुभान अल्लाह जरा इन बच्चों को संभालिएगा बड़ा मेहरबानी खड़े नहीं होना जब तक तमाल ना आए ठीक है पूरी तवज्जो रखिएगा जेड़ा जेड़ा अली आला बैठा एक बार सज्जा हाथ बुलंद करके आखे सुभान अल्लाह माशाल्लाह इंतजामिया की नजर खसूसी कलाम महफिलें नात सजाई है अली वाला ने जेड़ा जेड़ा अली आला है हथ उठा के नारा है हैदर
ज़हरा सलामुल्लाह की दहलीज पर अपनी इबादत का सजदा करना चाहता हूँ, ताज़ीम का सजदा करना चाहता हूँ। आप लोग बाबा ज़ुल्म कहें सुभान अल्लाह। बाबा जी इंतहाई खूबसूरत कलाम है, एक एक लफ्ज़ कीमती है। हुसैन जिसके कदम पे सर को, हुसैन जिसके कदम पे सर को झुका रहा है तो हुसैन जिसके कदम पे सर को झुका रहा है वो फातिमा है। हसन भी जिसकी रिदा में खुद को छुपा रहा है, जिसकी रिदा में खुद को, हसन भी जिसकी रिदा में खुद को छुपा रहा है। अली की आँखें, अली का लहजा, अली की बातें, कह रहे सुभान अल्लाह। अली का चेहरा, अली की आँखें, अली का लहजा, अली की बातें। खुदा भी जिसके लिए अली को सुभान अल्लाह। किसे मैदान चलाने चलाने किसे भी मिले कदे कदे नहीं हरदा, जो भी मारे अली दार अली दार अली दार, जो भी मारे अली दार सीधा होता हरदा। किसे मैदान किसे भी मिले कदे कदे नहीं हरदा, जो भी मारे अली दार सीधा होता हरदा।